नमस्कार, ये तस्वीरें हैं पानीपत के अरोड़ा ट्रामा सेंटर की, जहाँ पर हर जो है बीमारी का इलाज किया जाता है आयुर्वेदिक पद्धति से, जिससे बहुत से लोग जो है एक नई जिंदगी पा रहे हैं। ऐसे में आज भी बहुत से वो लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं जिनका इलाज जो है सफल हो रहा है, वो खुश हैं। हम ऐसे ही तमाम जो पेशेंट्स हैं उनसे बातचीत करेंगे कि वो क्या कुछ कहना चाहते हैं, उन्होंने कब जो है यहाँ आना शुरू किया, और सबसे ज्यादा परेशानी उसे जो है किस चीज की आ रही थी। किडनी, शुगर जैसी बीमारियां जो है यहाँ पर ठीक की जा रही है। आप जो है, आपको क्या दिक्कत थी, क्या नाम है? मैम, मेरा नाम करमचंद है। गांव रजापुर पानीपत का रहने वाला हूँ मैं। मेरी किडनी में क्रेटिनिन 5.5 पॉइंट आ गया था जी। कितने साल हो गए? मेरे को लगभग 1 साल के लगभग हो गए जी। दवाई हर एलोपैथिक भी करके देखी है जी, और ये सर के पास आए, आयुर्वेद दवाई चलाई, 1 महीने में मेरे को बहुत फर्क पड़ गया। हाँ पहले जी, क्या होता था आपको, कैसी दिक्कतें पहले आती मेरे थी? को यहाँ छाती में दर्द, सिर दर्द रहता था, बीपी 180 लगभग रहता था। अब बीपी 120 आया जी, मेरा नॉर्मल हो गया, चला रहा। हाँ जी, अब मेरे को कोई दर्द नहीं है, नींद भी सही आ जाती है। पहले 2-2 बजे मेरी नींद खुल जाती थी, फिर नींद नहीं आती थी। शरीर में भी कुछ बदलाव देखने को मिले हैं कि अब शरीर काम पहले कर? मेरा मुंह ऐसा सूजा सूजा रहता था, गाल ऐसे, अब गाल सही हो गए हैं और शरीर में फुर्ती आ गई है। बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट है शरीर में। लगता है कि आयुर्वेदिक इलाज जो आपके लिए सफल रहा है। आयुर्वेद सफल रहा जी। मैं बहुत जगह दवाई ले चुका हूँ। मैं वहाँ करनाल से, दिल्ली से, मैं और बहुत जगह से, अब यहीं का इलाज मेरे को अच्छा लगा। हाँ जी, और इसके साथ साथ भी आपको कोई परेशानी थी हाँ जिससे जी। आपको? शुगर था मेरे, पहले हाई ब्लड प्रेशर रहता था, उसके कारण फिर शुगर हुआ। शुगर के बाद किडनी में क्रेटिनिन आ गया, फिर वो चेक करवाते, मैं कई जगहों पे दवाई लेता रहा मैम, उसके बाद मेरे कोई आराम नहीं आया। क्या कहते थे जब आप वहां दवाई लेते थे, क्या किडनी को ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा? ऐसे कह रहे थे भी डायलिसिस पे जाना पड़ेगा। मैं सर जी के पास आता हूँ, इसका बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने ट्रीटमेंट किया और मैं आज अच्छी कंडीशन पे हूँ सर। अब रिपोर्ट आपकी सही आ रही है तो खुश हैं हाँ आप? जी, हाँ जी, पहले 5 क्रेटिनिन था और 2 के लगभग है जी, उससे फिर संतुष्टि तो मिलती है जी, शरीर भी ठीक रहेगा और मेरे को अच्छा लग रहा, फील भी अच्छा हो रहा है। यहाँ पे कितने महीने दवाई ली आपने एक अभी? मिन एक मंथ हो गया जी मेरे एक को। मंथ, हाँ उससे जी, पहले भी बहुत दवाइयाँ ली इससे पहले मैं दिल्ली दिल्ली से भी ली है, थी। बल्लभगढ़ से ली है, करनाल से ली है, गुड़गांव से ली है, बहुत जगह ली है, अब यहीं से मेरे को बहुत अच्छा फर्क लगा जी। हाँ जी, तो बिल्कुल आप देख सकते हैं ये पेशेंट है, किडनी के पेशेंट है। हालांकि इन्हें अब जो है डायलिसिस नहीं करवाना पड़ेगा, क्योंकि जो अब इनकी रिपोर्ट्स हैं वो बहुत सही आ रही हैं और अपना ये काम कर पा रहे हैं। अब बिल्कुल अब काम कुम कर सकते हैं, हाँ इधर उधर जी। बिल्कुल और घूम कल मैं सकते हैं। सारा दिन खेत में काम करता रहा, कंप्यूटर कंप्यूटर गोड़ी, ट्रैक्टर तो चलाया नहीं अभी। डॉक्टर साहब ने कहा भी ज़्यादा जल्दी में मत रहो, भी अभी काम नहीं करना, बाकी जो देख रेख का काम है वो मैं कर रहता हूँ। धूप में भी सारा दिन कल काम करता रहा, उससे कुछ मेरे को परहेज कुछ भी नहीं हुआ। आपको बताए होंगे हाँ कि जी, ये थोड़ा ऐसा बहुत खाना एक खाना। आधा छोटा मोटा परहेज तो चलो, मैंने डॉक्टर साहब से माफ़ी मांगता हूँ भी, उससे टूट जाता है, बाकी मैं दवाई टाइम पे ले रहा हूँ और परहेज कंटिन्यू चल रहा हूँ जी। परहेज से लगता है कहीं ना कहीं इलाज सही हो हाँ पाता है। जी, परहेज सही है सारी जिंदगी। तो हम डॉक्टर साहब से बातचीत करेंगे कि क्या कुछ जो है वो कहना चाहेंगे, क्योंकि जो पेशेंट उनके पास पहुंच रहे हैं वो बहुत ज्यादा खुश हैं और कहीं ना कहीं उनका धन्यवाद जरूर करते हुए नजर आ रहे हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे, किडनी जो है इनकी क्या सिचुएशन थी और अब कहाँ तक पहुंच गई है? ये जी आज से 1 मंथ पहले हमारे पास आए थे, तो इनका क्रिएटिनिन भी बढ़ा हुआ था, यूरिक एसिड भी बढ़ा हुआ था और बीपी भी बहुत ज़्यादा हाई था। तो आज 1 मंथ बाद जैसे हमने टेस्ट करवाए तो अब तो नॉर्मल है, और पहले तब जब ये हमारे पास आए तब तो ये ज़्यादातर चारपाई पे सोते रहते थे, जैसा कि इन्होंने बताया था कि चलने की, फिरने की, उठने की, बैठने की कोई हिम्मत ही नहीं थी, और अब तो ये कह सकते हैं कि 80% स्वस्थ है। तो और हमने इनको दिनचर्या, खाना पीना और आयुर्वेदिक मेडिसिन दिया, और आयुर्वेद में ही इस तरह की जो प्रॉब्लम है, किडनी है, लीवर है, हार्ट से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे वो वाल का सिकुड़ना है या ब्लॉकेज है या हार्ट का साइज बढ़ा हुआ है, तो
इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है वो हम टोटली आयुर्वेद से बिल्कुल क्योर कर देते हैं। तो क्या लगता है अब इनको डायलिसिस की तरफ तो नहीं जाना पड़ेगा, किडनी इनकी पूरी? नहीं नहीं अब कहाँ, जब पेशेंट के ये मान लो क्रेटिनिन जब 15-16 पे पहुंच जाता है उसको नॉर्मल कर देते हैं। जिस पेशेंट की किडनी ये मान लो डायलिसिस सप्ताह में 3 बार होता है उसको हम 2 महीने में बिल्कुल नॉर्मल कर लेते हैं। टोटल 3 महीने का हम कोर्स करवाते हैं और 3 महीने में तो किडनी बिल्कुल ओके हो जाती है। ये रही किडनी की बात, और क्या क्या इलाज है जो लोगों को मिल सकता है यहाँ पर? यहाँ हम जो ज्यादातर तो जो मेजर बीमारी है जैसे कैंसर है, हार्ट है, पैरालाइस है और किडनी है, लीवर है, ज्यादातर इन्हीं को ज्यादा देखते हैं क्योंकि इन ये सबका इलाज भी आयुर्वेदिक तरीके से हाँ होता है? 100% आयुर्वेद से हम ट्रीट करते हैं। कैंसर के भी लास्ट स्टेज के पेशेंट बहुत सारे ठीक हुए हैं और हार्ट में ब्लॉकेज, वाल्व का सिकुड़ना, ये तो इनको ठीक करना बिल्कुल नॉर्मल बात है। जी तो लगता है कि लोगों को आयुर्वेदिक की तरफ भी सोचना चाहिए जो बहुत ज्यादा दवाइयां खा रहे हैं देखो आजकल। जी, एलोपैथ की बजाय आयुर्वेदिक बहुत बेस्ट रिजल्ट दे रहे हैं क्योंकि इतने अच्छे रिजल्ट एलोपैथ में कभी भी नहीं आ सकते। एलोपैथ में तो अब तक तो जो ये सामने पेशेंट बैठे हैं ये भी डायलिसिस पे चले जाते और डायलिसिस पे जाने के बाद कभी वापस नहीं आते क्योंकि एक बार डायलिसिस शुरू हो जाता है तो फिर तो किडनी अपना काम बिल्कुल छोड़ देती है और फिर डॉक्टर बोलेंगे अब किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा और उस कंडीशन में पेशेंट के पैसे भी बहुत सारे लग जाते हैं और वो कोई गारंटी थोड़ी है कि दूसरी किडनी सेट करे वो ठीक रहे, वो भी तो डैमेज हो सकती है। तो जी दवाइयों के अलावा भी आप कुछ परहेज बताते हैं, वो कैसे रहता वो है? तो दिनचर्या और खाना पीना तो ठीक करवाते हैं, जैसे ज्यादा केमिकल वाली सब्जी बंद करवाते हैं, फ्रूट बंद करवाते हैं और जो जैसे डाइट है वो सुबह 10 से पहले पहले खाना खाना, शाम का खाना सूरज छिपने से पहले खाना, तो ऐसे ही दिनचर्या और खाना पीना ये चेंज करवाते हैं और पेशेंट नॉर्मल हो जाता है मेडिसिन के साथ साथ। तो कैंसर भी अगर बात की जाए बहुत गंभीर बीमारी है, उसका इलाज लगता है कि सफल है जी आयुर्वेद में? बिल्कुल सफल है जी, कोई ये बोलता है कि कैंसर ठीक नहीं हो सकता और हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि जैसा हम बताएं उस तरीके से दिनचर्या और खाना पीना जैसा हम बताएं वैसा पेशेंट कर लेता है तो कैंसर को हम ये कह सकते हैं कि जड़ से खत्म कर सकते हैं। तो बिल्कुल डॉक्टर के एस मलिक हैं और ये दावा कर रहे हैं कि ये जो भी ये बीमारियों का इलाज यहाँ पर करते हैं, कैंसर किडनी जैसी, उस पर दावा कर रहे हैं कि बिल्कुल उसको ठीक कर देंगे। हालांकि जो लोग हैं वो यहाँ पर जरूर पहुंचते हैं और इलाज जो है अपना लेते हैं। आप भी पानीपत सनोली रोड जो है पहुंच सकते हैं और अपना इलाज करवा सकते हैं। ऐसे में आज किडनी पेशेंट हैं जिनको एक सफल इलाज मिला है, इसके साथ साथ और भी बहुत से पेशेंट जो है यहाँ पहुंचते हैं और इसी तरीके से खुश होकर यहाँ से जाते हैं। तो अपील आप लोगों से यही रहेगी, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं आरती राणा पानीपत से आप सभी के साथ लाइव, धन्यवाद।